तो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स होती क्या है और उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। तो बहुत ही बेसिक लेक्चर है, तो हम स्टार्टिंग से समझेंगे ये फिजिक्स और उसके ब्रांचेस क्या क्या है। तो फर्स्ट समझिए फिजिक्स है क्या। देखिए साइंस की फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो हमें नेचर और कुछ नेचुरल फेनोमेना के बारे में बताती है। नेचर के बारे में बता रही है और नेचुरल फेनोमेना के बारे में बता रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइट आ रही है, तो लाइट हमें कहां से मिल रही है, नेचर से मिल रही है। हीट ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसका मतलब ये नेचर का पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ये भी हमें फिजिक्स बता रही है। और इसके थ्रू जो डिफरेंट फेनोमेनास होते हैं उन सब के बारे में हमें फिजिक्स बताती है। तो इट मींस फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो हमें बताती है नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में। तो इट मींस लाइक फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and natural phenomena. So this is called physics. I hope आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेचर में जितनी भी चीजें हो रही है, लाइट आ रही है, फोर्स अप्लाई हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो सब चीजें हमें पढ़ने को मिलती है फिजिक्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की ब्रांचेज होती है फिजिक्स के अंदर, अगर हम उसे डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो एक ब्रांच को बोलते हैं मैकेनिक्स, सेकंड इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी। तो ये कुछ छह ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ब्रांच की, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। देखिए मैकेनिक्स हमें बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में, लाइक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है। अब वो किस वजह से मोशन में है ये भी हमें बताती है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं रिगार्डिंग द रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी। इसी के अंदर हमें पढ़ने के मिलते हैं अलग अलग तरह के फोर्सेस, जिन फोर्सेस की वजह से बॉडी मोशन में आती है। तो यही हमें एक्सप्लेन करती है मैकेनिक्स। सेकंड ब्रांच होती है हमारी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमेशा डील करती है लाइट के साथ, लाइट उसका नेचर एंड हाउ इट प्रोपोगेट, वो किस तरीके से मूव कर रही है, इन सब चीजों के बारे में हमें बताती है ऑप्टिक्स। जैसे हम कई सारे फेनोमेनास देखते हैं लाइक रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स जो हमें ऑप्टिक्स में देखने को मिलते हैं। तो इट मींस जब भी हम लाइट के रिगार्डिंग या उसके नेचर के रिगार्डिंग पढ़ने की बात करेंगे देन इट इज अबाउट ऑप्टिक्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज थर्मोडायनामिक्स। देखिए थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो इट मींस थर्मोडायनामिक्स वो ब्रांच है जो बेसिकली हमें बताने की कोशिश करेगी हीट एंड देयर डिफरेंट इंटरकन्वर्जन। आप समझ सकते हैं कि हीट जो है वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो उसके रिगार्डिंग हम जो भी पढ़ेंगे वो सब आएगा थर्मोडायनामिक्स के अंदर। लाइक अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, एंट्रोपी की बात करते हैं, ये सारे के सारे किस चीज का पार्ट होंगे, थर्मोडायनामिक्स का। बिकॉज यहाँ पे हम हीट और उसके रिगार्डिंग जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स देखिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, और डायनामिक्स का मतलब मोशन। तो इट मींस यहां पे हमें पढ़ने को मिलता है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के कोरिलेशंस की कैसे आपस में कोरिलेटेड होती है। तो इट मींस जहां पे हम डील करते हैं विद इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट वहां पे आती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो आप लोगों को इलेक्ट्रोडायनामिक्स आई होप क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम देखते हैं तो कुछ एटम से मिलकर बना है। तो एटम होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इट मींस जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस है, इनकी आपस में इंटरेक्शन किस तरीके से होता है और जब हम इनकी स्टडी करते हैं इसे बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब हम यहाँ पे डील करने वाले हैं कुछ एटम्स के बारे में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जो इसके अंदर आते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लाइक अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, हम बात करते हैं प्रोटॉन की, न्यूक्लियस की, तो इट मींस ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है कहां पे, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। नाउ द लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब 3 to 10^8 m/s इसके इक्वल है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। इसका मतलब हम यहां पे देख रहे हैं कि जो लाइट है इट शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ
लाइट एंड दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸। तो वहां पे हम 3 × 10⁸ पीछे पर सेकंड, तो वहां पे हम बात करते हैं रिलेटिविटी की। तो फ्रेंड्स ये आपकी सारी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी, और इसी के अंदर पूरी की पूरी आपकी फिजिक्स आती है।